देश के अंदर मोदी सरकार के शानदार और जानदार 9 वर्ष पूरे होने पर लोकसभा स्तर पर बड़े कार्यकर्ताओं की बड़ी बड़ी सभाएं चल रही है, उसी के नाते 29 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब भरतपुर आ रहे हैं। भरतपुर लोकसभा के प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंडल के कार्यकर्ता, हमारे बूथ के कार्यकर्ता, उन सब कार्यकर्ताओं की एक बैठक लेंगे और उस बैठक के अंदर 9 वर्षों में देश जिस प्रकार बदला है, देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली है, उसके बारे में कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। और चूँकि चुनावी वर्ष है और चुनाव सन्निकट है, इसलिए चुनाव की चर्चा होना तो असंभावी है ही, इसलिए ये भरतपुर जिले के कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद है और सिर्फ भरतपुर जिले के कार्यकर्ताओं के साथ। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, ये बेमेल का गठजोड़ ना पहले चला ना आगे चलेगा। कल तक कांग्रेस को ललकारने वाले लोग, जो जिनका जन्म ही कांग्रेस के विरोध के रूप में हुआ था, आज वो गलभाइयाँ करने की कोशिश में लगे हैं कि टुकड़ा टुकड़ा गैंग एक हो जाए तो भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला ये नहीं कर पाएगी। मतदाताओं का ध्रुवीकरण अपने हिसाब से होता है और जिनको मतदाताओं ने नकार दिया, अब वो जुड़कर ये सोचते हैं कि वो मुकाबला कर लें। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जीत यही है, देश की तमाम पार्टियाँ जिनकी नीतियाँ नहीं मिलती, बेमेल नीतियों के होते हुए मजबूर है आज एक जगह पर आने पर ये गठजोड़ चलने वाला नहीं है। इसने कहा कि आज अल्पसंख्यकों के धिक्कारों का हनन हो रहा है। वतन परस्ती अल्पसंख्यक आज भी मोदी सरकार में बड़े खुश हैं। अनेकों योजना चली और मैं समझता हूं कि 3 तलाक जैसी कुरूति अगर किसी ने समाप्त की है तो नरेंद्र मोदी जी के शासन में समाप्त हुई है। आज कानून का राज है, संविधान का राज है, संविधान के सामने सब हम सामान्य हैं, एक बराबर हैं। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि बराक ओबामा के इस स्टेटमेंट से कि वो ये राय देते, राय तो तब देते जब इस देश के अंदर कहीं उनको असमानता नज़र आती। एक बजरंग बली ने रावण की लंका को आग लगाई थी, अच्छा रहे कि गहलोत साहब बजरंग बली को नहीं ललकारे तो ज़्यादा अच्छा है। हिंदू और हिंदुत्व की विकृत परिभाषा तो उनके राजकुमार राहुल गांधी ने दी थी। आज चोले के ऊपर से जनेऊ टांगने वाले लोग जो मजबूर होकर जनेऊ टांग रहे हैं, वो हिंदू और हिंदुत्व की बात करने लगे। मैं समझता हूँ तुष्टिकरण की राजनीति जो राजस्थान में चली है उससे कोई सारे लोगों ने देखा है। सांप्रदायिकता की आग में राजस्थान जलता रहा और इसीलिए अब अपने वोट बैंक की तलाश के अंदर जब उन्हें दिखा कि उनकी ज़मीन खिसक गई है तो पुनः वो लौट रहे हैं, हिंदू और हिंदुत्व की बात करने लगे हैं। मैं समझता हूँ इस बात को लोग सब समझते हैं। कांग्रेस की राजनीति कांग्रेस के साथ है, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस अपने किसी तुरमखा को मैदान में उतार ले। कांग्रेस की हालत जब जब अशोक गहलोत जाते हैं तो पूरी कांग्रेस पार्टी के सब लोगों को साथ लेकर जाते हैं। पिछली बार 21 छोड़ कर गए थे हमारे गिफ्ट में, इस बार 21 भी बचने वाले नहीं।